हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन करना चाहिए और कुछ ऐसी भी जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हीं में से एक है चावल। आज के वीडियो में हम चावल से होने वाले फ़ायदे, नुकसान और मात्रा के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल के फ़ायदे के बारे में। चावल में कई ऐसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी में स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। जैसे इससे जी फायदे होते हैं, एनर्जी करना। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। इससे आपको एनर्जी मिलती है। शिशु के लिए पोषण। चावल में विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भ में बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। कब्ज से राहत। चावल में उच्च मात्रा में स्टार्च पाया जाता है जो फायदेमंद बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है। ब्लड प्रेशर। चावल में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर के लेवल को नियंत्रित रखता है। यूरिनो जेनिटल इन्फेक्शन। चावल एक नेचुरल डाइल्यूटर है जो यूरिनो नेचुरल इन्फेक्शन से रोकथाम करता है। अब जानते हैं चावल से होने वाले नुकसान। लेकिन याद रहे फ्रेंड्स, अगर चावल के फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। इसके अधिक सेवन से गर्भवती महिलाओं के शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है जो चर्बी और वजन तेजी से बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर मौसम सर्दी का है तो चावल के अधिक सेवन से आपको और आपके शिशु को सर्दी बैठने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं और बच्चे को कभी कभी निमोनिया भी हो जाता है। चावल के अत्यधिक सेवन से फैट बढ़ जाने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में आपको परेशानी आ सकती है। अब जानते हैं चावल की मात्रा के बारे में। चावल का सेवन नियमित ना करके हफ्ते में कम 2 से 3 बार ही करें। चावल को रात में कभी ना खाएं और 1 प्लेट से ज़्यादा मात्रा में चावल का सेवन ना करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।